थे वो लोग। हेलो मैडम, हेलो मैडम, आपसे ही पूछ रहा हूं। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ तो बात करो। सब कुछ, तू ही मेरी बॉस। तो यहाँ सबको मेरा नमस्कार। आप सबको अलग अलग जादू दिखाने वाला हूँ, तो देखने से पहले सब लोग जोर से तालियां बजाओ। जेब में हाथ मत रखो, कंजूसी मत करो, तालियां बजाओ। शिष्य इधर आओ। सभी लोग देखो, यही मेरा शिष्य है। मैं जो बोलूंगा ये वो करेगा। आजा बैठ जा। मेरा शिष्य कमल के अंदर जाएगा, कमल के अंदर इसे कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर भी बिना देखे सबकी कहानी बता देगा। यही है जादू। देखो देखो देखो, इसका आशीर्वाद है, अंजुनाथ का आशीर्वाद है। सब लोग ताली बजाओ। आंटी आप भी ताली बजाओ। हाँ शिष्य, अपना जादू देखने के लिए। भाई बहन कोई काम नहीं करता, कोई करता है। बेकार लोग। क्या बोलता है रे तू? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छी अच्छी लड़की लोग। 18 साल की। बिल्कुल, फिर भी सभी लोग देखने के लिए आए हैं। इन लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सब सच बताना पड़ेगा। सच बताना पड़ेगा। सब लोग जोर से ताली बजाओ। भगवान के नाम पे, खुदा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे जादू शुरू करेंगे। तो शिष्य, इन साहब ने क्या क्या पहना है जरा बता दो तो। सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी है। रात में क्या क्या पीते हैं? रात में दारू पीते हैं। ये सब कैसे पता चला? अंजुनाथ का आशीर्वाद है। अंजुनाथ का आशीर्वाद है। सब लोग जोर से ताली बजा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हमारी काली माँ फटाफट सब कुछ बोल के चली जाती है। स्वामी, ये मेरा दोस्त है, आप इसका नाम बता सकते हैं क्या? बस उतना ही क्या? शिष्य, इसका दोस्त जो बाजू में खड़ा है, उसका नाम और उसका कुंडली बता दे। उसका नाम है ज्योति प्रकाश। चश्मा पहन रखा है, पैर में हल्दी लगी है, जेब में 200 रुपए है। क्यों भाई, हम लोगों को पोपट बना रहा है क्या? आपने ही आदमी छोड़ रखे हम लोग के बीच में। आप टेंशन लेना कम कर दो, सोचना बंद कर दो। आपको अभी भरोसा नहीं है क्या भाई साहब? शिष्य, इधर एक आदमी खड़े हैं, उनको अंजुनाथ और अपनी काली माँ पे भरोसा नहीं है। काली माँ और अंजुनाथ की शक्ति दिखा दो महाराज। जय काली माँ, अपनी शक्ति दिखा दे। भाई साहब आप सो जाओ। हमारे जादू पे भरोसा है या नहीं, आज दिखाई देगा। सब लोग जोर से ताली बजाओ। तो ये लो स्वामी, ताली बजाओ, ताली बजाओ। शाबाश।
देखो स्वामी, अब आप कम्बल लेके चुपचाप सो जाओ, सांस रोक के रखना, अभी मेरा जादू स्टार्ट हो रहा है। जब तक इन्हें यकीन नहीं होगा, हमारी काली माँ, चामुंडी माँ सब कुछ दिखाती रहेगी। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा, जय काली कतावली, विच्चे जय चामुंडेश्वरी। देखो सब लोग, देखो हमारी चामुंडेश्वरी ने अपना जादू दिखाया, सबको यकीन दिला दिया। अभी और मुझे पहले जैसा बना दो, मुझे विश्वास हो गया है। देखो इनको यकीन आ गया हमारे पे, सबको दिखाने के बाद यकीन करते हैं शिष्य। इनको पहले जैसा कर दो फटाफट। तो चलो शुरू करो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडेश्वरी। देखा 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 सब लोगों ने, एक बार और ताली बजाओ। ये लो स्वामी जी, बहुत बहुत थैंक्स। अभी चुपचाप निकल जा, अभी जिसको भी डाउट है वो आगे आ सकता है, उसको मैं दिखाऊंगा, उसका डाउट क्लियर करूंगा। आ जाओ, आपका क्या प्रश्न है स्वामी? मेरा एक प्रश्न है स्वामी। हाँ हाँ, 10 रुपए दो। मैं अपने बगल वाली से प्यार करने लगा हूँ, वो मुझे मिलेगी क्या? शिष्य सही है, इनको किसी लड़की से प्यार हो गया है, इनके प्यार में कोई कबाब का हड्डी है क्या? दुश्मन बगल में है। कौन है? अच्छा मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं नहीं, इसकी एक फ्रेंड और है, वो इसे प्यार करती है। अरे स्वामी, वो मुझे प्यार करती है क्या? उसको भी करती है? हाँ शिष्य बोलो। आया, इनका केस है 50-50। मतलब उसे किसे प्यार करना है अभी तक फाइनल नहीं है। इसका मतलब मेरा चांस है क्या? मेरी जादू की शक्ति कभी झूठ नहीं बोलती, आपको चांस बोला है तो है 50-50। कोशिश करते रहो स्वामी। चलो चलो चलो, ताली बजाओ। और किसी को कुछ पूछना है? पूछो 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 पूछो, बताता हूँ बताता हूँ। जय चामुंडा। देखिए बगैर आखिर सब सच कैसे बोल रहा था वो मंत्री? सब पे यकीन करता है क्या रमेश? ए चखना लेके आ जा। बोलूंगा तो यकीन नहीं होगा, हम लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हाँ। उस मंत्रवादी ने देखते ही देखते एक आदमी को हड्डी में बदल दिया, सच कह रहा हूँ। हाँ। अबे हंस क्यों रहे हो तुम लोग, झूठ बोला हूँ तो इससे पूछो। हाँ यार, उसने तो देखते देखते लाश बना कर रख दिया। राजा तेरी बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तू यकीन मत कर, हम लोगों को क्या करना है वो हम अच्छे से जानते हैं, तुम लोग यकीन करो या ना करो। ए बिल देना। ए रमेश। अरे जाना। ए राजा। ए चल। ए ओ हो, कैसे बच्चे हैं ये, क्या पता, दोनों लोग मिलके एक लड़की को देख रहे हैं, उधर इतना काम है कि दिमाग खराब हुआ जा रहा है, और इधर ये है कुछ सूझ ही नहीं रहे ने। ए राजा। ए अरे रमेश जाना। अरे जाना यार, अभी तुम लोगों को बराबर करता हूँ। अबे पागल हो गया क्या? क्या है ये, कोई मर गया है क्या जो सबके सामने बजा रहा है? अबे बंद कर ये बजाना, कोई मर नहीं गया यहाँ। क्या था? क्या था? अभी क्या, अभी क्या हुआ तुझे? हाँ वो प्रीति अचानक पलट गई, अगर वो मुझे देख लेती तो मेरी इज्जत क्या रहती बता? वो जैसे ही घूमी हम दोनों अचानक नीचे बैठ गए, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाती तेरी वजह से। इज्जत चली जाती तो तुम दोनों की कोई इज्जत है भी क्या? एक मारूंगा ना तो सारे दांत गिर जाएंगे तेरे, समझा? एक लड़की है और दोनों देख रहे हो, इज्जत वाला आदमी ऐसा नहीं करता है। इन सब के बारे में इसे सोचना चाहिए, वो मुझे देख के कितना खुश होती है, अगर इस बात को ये अच्छी तरह से मान ले तो अच्छा होगा। ओहो वो प्रेमा है और तू शिवराज कुमार है, मैं रमेश हूँ। ए बेवकूफ, तेरा नाम रमेश है सोच ले, ऐसे नाम वाले लोगों को लड़की को ही त्याग करने की आदत होती है, समझा? वो प्यार तो मुझसे करती है, और तू कैसा दोस्त है, फिल्मों में देखा नहीं तूने अपने फ्रेंड के लिए क्या क्या त्याग करते हैं लोग? तुम लोग भी अजीब हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है, तुम लोग चोर लोग हो, फिल्मी हीरोइन की फोटो लेकर आते हो और उससे प्यार करने लगते हो, रोड पे भी अगर कोई लड़की दिख गई तो उसके भी पीछे पड़ जाते हो, पता नहीं कैसा प्यार है तुम्हारा। बे बुद्धू लड़के, तुझे लव शव और साइंटिस्ट के बीच का अंतर पता नहीं है क्या? प्रीति का मतलब होता है लव, दूसरी लड़की देखने का मतलब सिर्फ मजे लेना होता है, वो तो शादी के बाद भी देखूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे लव नहीं करूंगा। ये देख, ये फिल्म स्टार्स, ये लड़कियां, ये बस अपनी फैंटेसी दिखाते हैं, मस्ती करने के लिए किसी को भी अपना पति बोल लेती हैं, लेकिन तू जानता है असली पत्नी तो कुछ और ही होती है। लेकिन तू कैसे समझेगा, तुझसे तो बात करके भी मतलब नहीं है। क्या था क्या था?
क्या था? मैं इधर हूँ यार। क्या कर रहा है? तेरे पैर पकड़ के विनती कर रहा हूँ। कितना सर खाता है तू? ये सब बातें छोड़कर थोड़ा हिसाब किताब क्यों नहीं करता? अभी वो आ जाएगा ना। कौन, बाल्टी क्या? अबे डरता क्यों है? वो कोई गॉड है क्या? हाँ मानता हूँ कि ये उसका ही घर है, लेकिन उसने इसे गोडाउन बना के रखा है और उसका प्रोडक्ट, ओह माय गॉड, तू उसका कौन सा प्रोडक्ट सही है बोल? अरे उसका प्रोडक्ट बेचने के लिए सिर्फ उसी को ही जाना चाहिए, एक भी बाल नहीं है उसके सर पे। अरे क्या हुआ, ठीक से बोलना। बकेट? बैगन क्या? अरे क्या हुआ? जवान को देख लिया ऐसा बोल रहा है? जवान को देखा इसीलिए ऐसा कह रहा है। मैं बाल्टी हूँ है ना? नहीं सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि अपना जो केश वर्धिनी तेल है ना, वो आप ही अपने सर पे डालकर बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सर। इन सब से तुझे क्या मतलब? ये बता, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? आजकल सेल्स कुछ भी नहीं हो रही है, कल का हिसाब कहाँ है? और वो बैनर जो बांधने को दिया था, बांध दिया कि नहीं? सर वो बांध दिया हम लोगों। मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम लोग बंडलबाज हो, बैनर लगाने के लिए दिया था तो चड्डी बनियान सिलवा के पहन लिए तुम लोगों को। तो इधर ही आप गलत कर रहे हो सर, आज ना ये ऐसे ही सेल करेगा, बैनर बांधेगा तो एक ही जगह पर रहेगा, ये आज रोड पर घूमेगा, सब जगह प्रमोशन होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ये आइडिया तो मुझे सूझा ही नहीं। कीप इट अप, अब जरा कल का हिसाब तो दे दो। सर वैसे भी लेट तो हो ही चुका है, तो शाम को सारा हिसाब एक साथ दे देता हूं। ओके ओके, देखो महीने का आखिरी हफ्ता है, अच्छे से सेल करना, समझ गए? ओके ओके सर, ओके सर। अरे हाँ सीनू, तुम ऐसे ही भागते रहना, ये बहुत अच्छा आइडिया है, वर्कआउट होगा, सेल बढ़ जाएगी। ओके सर। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ हाँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यू आर अ सेल्समैन राइट? राइट, आप कैसे जानती हैं मुझे? पहले मैंने कहा देखा? नहीं देखा। स्मार्ट बन के आए हो, बालों को नीट एंड क्लीन रखा है, देख के पता चलता है तुम सेल्समैन हो। आ जाओ। अंदर आने को कह रही है, लगता है आज कोई अंदर है नहीं। रमेश वेरी गुड, क्या चांस है। बैठ जाओ। तो क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट? मैडम हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट है, शैम्पू, केशवर्धी, कपड़ा धोने वाला सोप, नहाने वाला सोप, कंडीशनर भी। कपड़े धोने के लिए क्या स्पेशल है? ये एडवांस है मैडम, जल्दी खत्म ही नहीं होता, एक साबुन से आप 20 कपड़े धुल सकती हैं मैडम। इतना छोटा सोप 20 कपड़ों को धो देता है? क्या मैडम, डाउट है क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। एक काम करिए, आप अपने कपड़े लाइए, मैं 5 मिनट में धुल के दिखा देता हूँ।